और भारत तो आज वर्ल्ड का जो है ग्लोबल कैपिटल हो गया है, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर मधुमेह हो रहा है लोगों को। आजकल दुनिया की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज में मानी जाती है। तो ये जब तक लाइफस्टाइल हमारा गलत है तभी तक ये शुगर है। हम लोग क्या करते हैं, केवल रोटियां खाते हैं, केवल गेहूं की रोटी खाते हैं, ताकि हमें जैसे हम खाली भिंडी खाएं तो शरीर में डेफिशिएंसी हो जाती है, उसी तरीके से एक ही तरह का अनाज खाने से भी शरीर में तरह तरह की व्याधि पैदा हो जाती है। जैसे पांच अनाज में इसको पॉजिटिव मिलेट कहते हैं, वो कोडो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, बर्न टॉप मिलेट, और उसके बाद स्मॉल मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट। इस तरीके के पांच जो है ये मिलेट है, और इस अभूतपूर्व इसका जो है फाइबर जो है डायबिटीज से ठीक करता है, जो हमेशा चलता फिरता रहेगा, उसको कभी रोग नहीं हो सकते हैं, और डायबिटीज तो हो ही नहीं सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सलीला तिवारी जी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी की गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं। डॉक्टर सलीला तिवारी ने 22 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इलाज किया है। डॉक्टर सलीला तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सर नमस्कार जी। डॉक्टर तिवारी, आज हम बात करेंगे मधुमेह पर, जिसे कि हम शुगर भी कहते हैं। तो ये बीमारी होती क्यों है? ये आज इतनी ऐशो आराम की जिंदगी हो गई है हम सभी के पास। आजकल मॉडर्न साइंस ने हम लोगों को इतने ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर दी है। हमारे पास कहीं चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया है। हम उठते हैं तो हमारे पहले लोग 6 किलोमीटर चल के जाते थे टॉयलेट, अब हमारा अटैच बाथरूम है। उठते हैं टॉयलेट हमारे साथ है, फिर इसके बाद हम खड़े खड़े होके चूल्हा चक्की कुछ नहीं रह गया है। उतरते हैं तो लिफ्ट है, बाहर निकलते हैं तो या तो बस में बैठते हैं या स्कूटर में बैठते हैं या मेट्रो है या गाड़ी में बैठते हैं, और टीवी देखते हैं तो रिमोट कंट्रोल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बिल्कुल चलना फिरना मेहनत बिल्कुल परिश्रम नाम की चीज नहीं रह गई है, और खाने पीने का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जा रहा है, फास्ट फूड बढ़ता चला जा रहा है, और ये परिश्रम विहीन जिंदगी का सबसे बड़ा जो है ये अभिशाप है कि हम लोग को डायबिटीज हो रही है। और भारत तो आज वर्ल्ड का जो है ग्लोबल कैपिटल हो गया है, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर मधुमेह हो रहा है लोगों को। उसका कारण यही है कि हम लोग भोजन अच्छा अच्छा खाते हैं, इसलिए इसको राज रोग कहते हैं। जो राजाओं की तरह रहते हैं, मेहनत कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए ये सारे बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसीलिए मधुमेह में हम लोगों को सबसे दो चीज का ख्याल रखना है। जो भी हम भोजन करते हैं वो सभी शुगर में बदलता है। तो वो सारा जब शुगर हम खाते चले जाते हैं और मेहनत कुछ नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे हमारा शुगर जो है वो बढ़ती चली जाती है। बिना खर्च किए हम अर्न करते हैं लेकिन बर्न नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे जो है पेनक्रियास को वो बहुत ज्यादा जब शुगर हो जाती है तो वो सारा लिवर में स्टोर करता रहता है, लेकिन खर्च बिल्कुल होती नहीं है। तो धीरे धीरे जो है लिवर और पेनक्रियास इतना ज्यादा काम करते करते थक जाते हैं, और शुगर जो है बढ़ती चली जाती है, हमारे खून में यूरिन में सभी जगह से जो है ज्यादा शुगर आने लगती है। तो यही है इसका कारण है। आजकल दुनिया की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज में मानी जाती है। तो ये जब तक लाइफस्टाइल हमारा गलत है तभी तक ये शुगर है। तो इसलिए हमें जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें सबसे पहला जो है इसमें, अगर जो भी शुगर का पेशेंट है वो भोजन में परिवर्तन करे और रोज 1 घंटा चलना फिरना शुरू कर दे, और थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करे, थोड़ा जॉगिंग करे, थोड़ा योग करे, थोड़ा प्राणायाम करे, इस तरीके की चीजों से मेहनत करने लगेगा, परिश्रम करने लगेगा, तो उसकी शुगर बर्न होने लगेगी। और भोजन के लिए जो पैनक्रियाज और लिवर जो काम करते करते थक चुके हैं, लगातार हम लोग क्या करते हैं, सवेरे उठते ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद दोपहर में फिर कुछ चाय पकौड़ी समोसा खाते रहते हैं, और दोपहर में फिर खाना खाते हैं। दिन भर हम लोग चरते रहते हैं, खाते रहते हैं, और पचाने के लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं। तो इसलिए मोटापा और मधुमेह जो है एक इतना जबरदस्त बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए 30-30 साल के लोग आते हैं मेरे पास की बताते हैं कि शुगर हो गई है। तो इसका बहुत सरल उपाय है कि हमें भोजन में कुछ दिन तक लिवर और पैनक्रियास को, जैसे हम रात में सो जाते हैं तो हम थकान मिट जाती है और हम फ्रेश हो जाते हैं, उसी तरीके से 30-40 साल से लगातार जो है काम करने वाले जो दो अंग है खास तौर से हमारी आंतों में,
जो है लिवर और पेनक्रियास को लगातार काम करते रहना पड़ता है। अगर हम 15-20 दिन इनको ऐसे भोजन पे रखें ताकि उनको आराम मिले, तो वो धीरे धीरे, लिवर 60% भी डैमेज हो गया हो, वो रिवाइव हो जाता है अगर उसको आराम मिले तो इसी तरीके से हमें लिवर और पेनक्रियास को 15-20 दिन तक नेचुरल खाने पे रखना पड़ेगा। उठते ही पानी पिए और उसके बाद जो है 10-15 दिन तक इस तरीके का भोजन लें। कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए शुगर के पेशेंट को, लेकिन फास्टिंग में फल खाइए, सलाद खाइए, सब्जियों का रस पीजिए। इस तरीके का भोजन अगर हम लेते हैं तो धीरे धीरे आप उठते ही पानी पीजिए, चाय की जगह पे आप जो है मेथी का पानी पीजिए, मेथी रात में भिगो दीजिए और सवेरे उसको गुनगुना करके उस पानी को नींबू डाल के पी लें, और उसके बाद जो है मेथी को अंकुरित करने के लिए रख दें। और नाश्ते में कुछ सब्जियों का जूस ले लिया करें, जैसे खीरे का रस है, लौकी या घिये का रस है, उसमें टमाटर वगैरह डाल के, लेकिन करेले का अगर रस डालते हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी से आराम आ जाता है। तो इस तरीके के हमें वेजिटेबल जूस या सब्जियों का रस पे रहना चाहिए। और 12 बजे तक बीच में नारियल पानी जिसके पास सुविधा हो वो ले सकते हैं, और एक प्लेट बड़ी सी सलाद की खा लें दोपहर में, और शाम को जो दो इसके बाद फल खा सकते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, पेट भर के खा लें, और रात में जो है सूप पी लें, सलाद खा लें, और धीरे धीरे अंकुरित भी शुरू कर दें। इस तरीके के प्राकृतिक भोजन पर रहने से ज्यादा पैनक्रियाज और लिवर को काम नहीं करना पड़ता है, और वो धीरे धीरे रेस्ट मिलता है उनको, और वो धीरे धीरे रिवाइव होने लगते हैं। और उसके साथ अगर हम योग करें, प्राणायाम करें, और थोड़ा ख्याल रखें तो, और शोधन कर लें। शोधन में जो है हमारे आयुर्वेद में, योग में, प्राकृतिक चिकित्सा में शोधन का बहुत महत्व है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, शोधन करने में हम लोग जो है पानी से ही, पंच महाभूतों से ही जो है हम कुंजल, जलनेति, एनिमा वगैरह से लेकर शरीर को अंदर से साफ कर लेते हैं। तो इस तरीके से करने पर, और योग, प्राणायाम, सैर, प्रकृति के बीच में जाके रहना, प्राणायाम से भी बहुत बड़ा जबरदस्त फर्क पड़ता है, खास तौर से कपालभाति, अग्निसार, ऐसी जो योग की क्रियाएं हैं वो आंतों को एक्टिवेट करने लगती है और आंतें ठीक से काम करने लगती है, और रेस्ट मिलता है, और फल सलाद वगैरह में फाइबर होता है जो आंतों को साफ कर लेता है, जो खून को भी शुद्ध कर लेता है। तो इस तरीके से हम इस भोजन पे रहते हैं अगर 10 से 15 दिन, तो किसी भी तरीके की शुगर में जो है अगर दवाई ले रहे हैं तो धीरे धीरे उसको टेपर डाउन करते चले जाए। इंसुलिन पे है तो चेक करते करते इंसुलिन घटाते चले जाए, शर्त या जो है धीरे धीरे शुगर घटती चली जाती है। और शोधन करने पर शरीर का जितना विजातीय द्रव्य है, मल है, अगर इसको साफ कर लिया जाए तो वो बहुत जरूर इससे फायदा हो जाता है, शरीर का खून का सफाई हो जाती है और शुगर में बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। दो तरह का डायबिटीज होता है, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है वो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको शुरू से ही इंसुलिन नहीं बनता है, उसका कारण बड़ा गंभीर होता है। माताएं जब कंसीव करती हैं, जब बच्चा होने वाला होता है तो बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाना और आहार विहार बहुत ही ज्यादा फास्ट फूड और बहुत ज्यादा गलत होता है, तो उनके बच्चे जो है उनको इस तरीके की हेरिडिटरी भी होता है, वंशानुगत भी होता है। ऐसे बच्चों को भी बचपन से ही पैदाइशी ही उनको हो जाता है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो ये टाइप 1 मानी जाती है। ये बहुत डिफिकल्ट होती है, ये बड़ा मुश्किल से ठीक होती है। लेकिन टाइप 2 जो है अमूमन मिडिल एज में हो जाती है, 30-40 साल के लोगों को भी हो जाती है, तो ये सारी ठीक हो जाती है प्राकृतिक चिकित्सा और योग के उससे। तो इसमें थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा आंवला है, करेले का रस है, करेले हैं, बेल के पत्ते हैं, ये अगर सैर करने जाए तो थोड़े 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 जो है नीम के पत्ते चबा लें, सदाबहार के पत्ते चबा लें, बेल के पत्ते चबा लें। इस तरीके की छोटी छोटी क्रियाएं जो है उसी से करने पर, और प्राकृतिक भोजन पर अगर 10-15 दिन रहा जाए, तो उसमें प्राकृतिक यानी अपक्व आहार, जो रॉ डाइट जिसको कहते हैं, रॉ डाइट में जो है जिस तरीके से जितने भी सलाद हैं, फल सब्जियां जिसको हम खीरा, ककड़ी, टमाटर जो भी सलाद के रूप में मिलते हैं वो पेट भर के खाएं, फलों को पेट भर के खाएं, जैसे अंगूर है या केला है या आम है, ऐसे शुरू में ना लें, लेकिन सारे फल खा सकते हैं, खास तौर से तरबूज, खरबूजा, ये सब बहुत फायदा करता है। और करेले का रस है, अंकुरित मेथी उसकी सबसे बड़ी दवा है,
अंकुरित को मेथी को रात में भिगो दें और उसको सवेरे जो है कपड़े में बांध दें तो दूसरे दिन उसमें अंकुर निकल आता है। उसमें कच्ची हल्दी है, उसमें अदरक वगैरह डाल के, नींबू डाल के रोज थोड़ा अंकुरित मेथी लें तो ये इसकी बहुत बड़ी दवा है। और साथ में योग करें, प्राणायाम करें और साथ में विटामिन सी अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलता रहे। तो विटामिन सी में इनको आंवला जरूर लेना चाहिए, आंवले का रस मिलता रहे। नींबू नींबू जो है 2 दिन में 2 बार नींबू एक एक लेकर के ले लें। अंकुरित आहार भी बहुत अच्छा फायदा करता है। और सबसे बड़ा जो है आजकल मिलेट, 5 मिलेट चल पड़े हैं, यानी इसको कहते हैं जो हमारे पूर्वज जब से जिसको जंगली खेती कहते हैं, ये खास तौर से पाया गया है कि उसमें बड़ा मोटा अनाज जितने भी है, हम लोग क्या करते हैं केवल रोटियां खाते हैं, केवल गेहूं की रोटी खाते हैं, ताकि हमें जैसे हम खाली भिंडी खाएं तो शरीर में डेफिशिएंसी हो जाती है, उसी तरीके से एक ही तरह का अनाज खाने से भी शरीर में तरह तरह की व्याधि पैदा हो जाती है। तो अगर हमें मिक्स्ड जो है मल्टीग्रेन जिसको कहते हैं आटा जो है लेना चाहिए, और खास तौर से मिलेट, 5 मिलेट इसमें बहुत अच्छे पाए जाते हैं, जिसको कि हम जंगली अनाज कहते हैं, जो ओरिजिनली यहाँ पर भारत में पैदा होता था, जो अब हम लोगों ने उसको भूल गए हैं। ये मोटा अनाज बहुत फायदा करता है, जैसे 5 अनाज में इसको पॉजिटिव मिलेट कहते हैं, वो कोडो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, बर्न टॉप मिलेट और उसके बाद स्मॉल मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट, इस तरीके के 5 जो है ये मिलेट है। और इस अभूतपूर्व इसका जो है फाइबर जो है डायबिटीज से ठीक करता है। तो ये मोटा अनाज हमने खाना बंद कर दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये मोटा अनाज को लिया जाए, पहले शुरू में 10-15 दिन केवल नेचुरल फूड पे रख दिया जाए और उसके बाद धीरे धीरे एक टाइम जो है भोजन खाए, अंकुरित भोजन भी खाए रोज, और साथ में इस तरीके का मिलेट का प्रयोग करें। हमेशा जिंदगी भर जो चलते फिरते रहते हैं, हमारे यहाँ पर कहा जाता है साधुनाम लक्षणम चरैवति चरैवति, यानी जो स्वस्थ और साधु इसको कहते हैं जो हमेशा चलता फिरता रहे, जो हमेशा चलता फिरता रहेगा उसको कभी रोग नहीं हो सकते हैं और डायबिटीज तो हो ही नहीं सकती है। तो इसका बहुत बड़ा जरूरी है कि हर उम्र के लोग, आजकल बच्चे भी मोटे हो रहे हैं, आजकल महिलाएं तो इतना ज्यादा मोटी हो रही हैं जिसे देखो मोटापे के शिकार हो गए हैं। तो ये एक प्राकृतिक हमारी जितना जीवन है ये उसका एक अभिशाप है ये, तो हमें चलते फिरते रहना पड़ेगा, हमें सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी लिफ्ट की जगह पे, हमें जहाँ पर उतरे हमें 2 बस स्टैंड से नीचे पहले उतर जाए, चलते फिरते रहें। इस तरीके से हम अगर चलना फिरना बंद कर देंगे तो डायबिटीज से बच नहीं सकते हैं, शुगर से बच नहीं सकते हैं। और भोजन में फास्ट फूड हमें घटाना पड़ेगा, पानी को बढ़ाना पड़ेगा। लोगों को पता नहीं है कि पानी कितना पीना चाहिए, उसकी वजह क्या है, हम सारा दिन एसी में रहते हैं तो हमें पसीना आता नहीं है, पसीना नहीं आने से भी हमें प्यास कम हो जाती है, और हम प्यास कम होती है तो पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं तो पेशाब भी खुल के नहीं आता है, तो खून गंदा हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम उपयुक्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, हम सेडेंट्री लिविंग के साथ साथ हमारा प्रकृति से हम दूर हो गए हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। अगर हम प्रकृति की तरह लौट आए, थोड़ा 1 घंटा प्रकृति के बीच में जाके सैर करें, धूप स्नान, वायु स्नान, आकाश स्नान, और इस तरीके से जो ठंडे पानी से नहाएं, और थोड़ी छोटी छोटी बातों का अगर हम दिन भर में उठते ही उषापान करें, उठते ही अगर 1 लीटर पानी पीने लगते हैं, हम लोगों ने आरओ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आरओ जो है वह बहुत खतरनाक चीज है। हमने इसको क्या होता है कि जैसे हम रिफाइंड शुगर खाते हैं, हम रिफाइंड आटा यानी मैदा खाते हैं, रिफाइंड तेल खाते हैं, उसी तरीके से हमने पानी को भी रिफाइंड कर दिया है। और ये पानी रिफाइंड यानी हमारा आरओ है, सारा फिल्टर करना जरूरी है, गंदगी को दूर करना अच्छा होता है, लेकिन हमने जो ये आरओ इस्तेमाल करते हैं वो सारे हमारे मिनरल, हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, और ये पानी 70% में अगर हमें मिनरल ही खत्म हो जाए, जो प्रकृति ने, भगवान ने हमारे जो बहता हुआ पानी जो होता है उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं, वो सारे मिनरल निकाल करके फेंक दिए जाते हैं। तो यही है आरओ, तो आरओ के पानी को हमें नहीं पीना चाहिए। हमें तांबे के लोट, पहले राजा लोग सोने के बर्तन में पानी रखते थे वो और पकाते थे भोजन, अगर हम चांदी के बर्तन में रखते थे पानी पीते थे, अगर हम कम से कम तांबे के लोटे का, तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी पिए तो भी हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल हो जा मिल जाएंगे। तो इस तरीके के हमारी जीवन जो है इतना सेडेंटरी हो गया है, इतना ज्यादा
प्रकृति की हमने विकृति कर दी है, इसीलिए ये नतीजा हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है और शुगर जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करें, क्या करें, अपने जीवन को बदलें, अपनी दिनचर्या बदलें, अपना खान पान, रहन सहन, विचार। हम बहुत टेंशन में रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है शुगर का। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, इस तरीके की चीज़ों को करने से साथ में ये प्राकृतिक चिकित्सा पूरा खाना पीना रहन सहन हमें बताती है कि कैसे स्वस्थ जीवन अपनाएं और उसके साथ योग को मिला दें तो वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक, आध्यात्मिक और सभी तरह का जो है हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। प्राणायाम भी बहुत बड़ा जो है इसमें योगदान देता है। बहुत सुंदर प्राणायाम हमारे योग की विद्या में है, ये भी शरीर को जो है स्वस्थ करने में बहुत बड़ा जो है योगदान है इसका। तो इस तरीके से हम योग, प्राणायाम, आहार, विहार, विचार को प्राकृतिक करते चले जाएं, प्रकृति से जुड़ के रहें और प्राकृतिक भोजन लेते रहें, भरपूर पानी पिएं, धूप का प्रकाश हमें मिलता रहना चाहिए, ताज़ी हवा में रहना चाहिए, प्राकृतिक भोजन लेते रहें। तो इस तरीके से हम एक घंटा सैर करें, योग अभ्यास, खास तौर से कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जो स्पेशली डायबिटीज पेशेंट को जो है मंडूकासन है, मयूरासन है, इस तरीके के बहुत सारे आसन होते हैं जो कि हमारे शरीर के जितने पैनक्रियाज है, लीवर है, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत उत्तम इलाज है। तो इस तरीके के रसाहार, फलाहार, सलाद, अंकुरित मोटा अनाज खा करके हम शुगर से निजात पा सकते हैं, यही एकमात्र इसका उपाय है। जी डॉक्टर सलीला, आपने बताया कि दाना मेथी जो है वो लेनी चाहिए, भिगोनी चाहिए, कितनी मात्रा में भिगोनी चाहिए? देखिए, अगर हम 2 से 3 चम्मच लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये इसको रात में मेथी दाना जो है इसको आपने भिगो दें और सवेरे उसको अंकुरित करके दूसरे दिन ले सकते हैं। उसी तरीके से मेथी जो है, हमारे पास जो मेथी का साग आता है, ये भी बहुत अच्छा प्राकृतिक चिकित्सा शुगर को ठीक करने में काम आता है। तो मेथी का साग जब मौसम में मिले तो इसको भी जरूर हमें लेना चाहिए। करेला है, मेथी है, कुंदरू है, कुछ ऐसी सब्जियां हैं, इसको बहुत अच्छा काम करती है। फलों में अमरूद है, पपीता है, जामुन जो है वो भी एक इसकी बहुत बड़ी दवा है, और कुछ पत्ते वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे आपको सदाबहार के पत्ते, नीम के पत्ते, बेल के पत्ते, इस तरीके के पत्ते भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये सारे फल सब्जियां इसको अमृत माने जाते हैं डायबिटिक पेशेंट को ठीक करने के लिए। जो पत्ते आपने बताए वो किस वक्त खाने चाहिए? क्या सुबह खाली पेट खाने चाहिए या किसी भी वक्त खा सकते हैं? हाँ, ये सवेरे जो है जैसे आप सैर करने जाते हैं तो ताजे नीम के पत्ते तोड़ लीजिए, कोमल कोमल 4-5 छेद निकाल लीजिए, उसको चबा चबा के खा लीजिए। सदाबहार के पत्ते खा लीजिए, एक फूल होता है सदाबहार, उसके पत्ते खा लीजिए, बेल के पत्ते तोड़ के खा लीजिए। इस तरीके के ये पत्ते जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और वैसे भी ग्रीन जूस हमें जो है पत्तों का रस लेना चाहिए, जैसे मूली के पत्ते ले लिए, वो भी किडनी के लिए बड़ा अच्छा होता है, पालक के पत्ते ले लिए, इस तरीके के जितने भी पत्ते हैं छोटे छोटे, धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें, धनिया पुदीना के पत्ते, करी पत्ता के पत्ते, एलोवेरा के पत्ते, एलोवेरा को जो है 2 इंच काट के डाल दें, और करेले का, आंवला, इन सब का मिला करके रस लिया जाए, बहुत अच्छा काम करता है। खास तौर से ग्रीन पत्ते थोड़े 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 रस कितनी मात्रा में लेना चाहिए? ये करीब करीब आधा ग्लास पौना ग्लास हो जाए। इसमें इसको पत्ते को लाना है, जैसे धनिया हरा ले लिया आपने, थोड़ा पालक डाल दिया, उसके बाद थोड़ा आपने जो है मूली के पत्ते डाल दिए, आप उसमें थोड़ा सा वो डाल सकते हैं पुदीना के पत्ते, उसके बाद करी पत्ता, एलोवेरा को 2-3 इंच 2.5 इंच जो है छील के डाल दें, और इन पत्तों को खास तौर से जो ड्रमस्टिक यानी जो सहजन के पत्ते होते हैं ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। इन पत्तों को डाल करके थोड़ा आंवला 2-3 डाल के काट के डाल के उसमें पानी डाल के खूब अच्छा सा पीस दाएं और कपड़े से दबा के छान ले, तो ये ग्रीन जूस भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरीके की सब्जियों का रस, फल खाएं, खास तौर से कुछ फल जो बहुत अच्छे काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पपीता है, अमरूद है और जामुन है, ये इसकी बहुत बड़ी दवा मानी जाती है। और अंकुरित मेथी भी बहुत अच्छा काम करती है, करेले का रस भी बहुत अच्छा काम करता है, लौकी या घी का रस भी बहुत अच्छा काम करता है,
खीरे का रस भी बहुत अच्छा काम करता है, सफेद पेठे का रस भी बहुत अच्छा काम करता है। आप इनका रस ले सकते हैं, इससे शुगर में शर्तिया आराम आ जाता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें शुगर के ऊपर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद, जो आपने ऐसी इस वक्त जो सारी दुनिया पीड़ित है डायबिटीज और शुगर से, तो इसीलिए अगर उनको योग और प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान मिले तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। आपका भी सबका धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।